चल निकल। अरे अरे ये काले है, ये पुलिस स्टेशन तो नहीं है। मैं बताता हूँ बेटा, तेरे लिए पुलिस स्टेशन भी है, कोर्ट भी है, जेल भी है और फांसी घर भी है। समझ गया तू? नहीं समझा? कौन है आप? मैं कौन हूँ? महेश। ये पुत्ते मैं कौन हूँ? अरे मैं वो हूँ जिसका आदमी तेरी वजह से मारा गया, जिसकी जीप तूने लूटी थी। मैं वो हूँ। ये पुत्ते मैं कौन हूँ? रतन भाई, हमने आदमी तुम्हारे हवाले कर दिया, अब तुम जानो। हाँ, जानवर पकड़ कर लाए हो ना, थक गए होंगे। जब जाकर दारू मारो, सांप को दारू मिला। चल रहे। हाँ बेटा बोल, ये सब किसके इशारे पे किया तुमने? किसका आदमी है तू? बोल। मैं किसी का आदमी नहीं। सुना बलवंत, ये बोलता मैं किसी का आदमी नहीं हूँ। बोल ना बेटा, बोल ना, किसका आदमी है? बोल ना। मैं किसी का आदमी नहीं हूँ। हाँ, मगर उस गरीब आदमी को जरूर जानता था जिसे तुम्हारी जीप ने कुचल डाला। मैंने अगर कानून की मदद की तो समझ गया। तो वो ही है ना, गरीबों का हमदर्द, कानून की मदद, यही चक्कर है ना तेरा एक साला। अरे बलवंत, आजकल के जमाने में भी ऐसे आदमी लोग होते हैं। महेश, अभी क्या करना है इसका? बोलना। करना क्या भाई साहब, खत्म कर दो साले को। अच्छा चला ऐसा ही कर, मगर तेरे मरने से पहले मेरी एक आखिरी ख्वाहिश है कि दुनिया छोड़ने के पहले तू जाने, तू समझे कि दुनिया क्या है। ये देख, ये क्या है? ये कानून है। और वो देख, गरीब। अब तेरी आंखों के सामने ये कानून उस गरीब की इज्जत लूटेगा। अब तुझे समझ में आएगा कि ये दुनिया क्या है, और जब तुझे समझ में आएगा हम तुझे दुनिया के बाहर फेंक देंगे। गिल साहब, दारू पीते रहेंगे क्या? समझ गया रतन भाई, चलो ये तमाशा भी दिखाई दे। कमीने। ऐसा चीरहट कभी देखा था तुमने? भाई साहब कहाँ जाएगा साला? लड़की की लाश को ठिकाने लगा दो और पुलिस स्टेशन पर फोन कर दो कि करण नाम के एक आदमी ने पुलिस अफसर का खून कर दिया है। हमारे 10 आदमी गवाही दे देंगे। कहाँ जाएगा साला?